हरे कृष्णा वेलकम टू नॉट सो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव डे स्टार्टिंग माय डे विद द मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड प्रेयर आज मैं ऑलमोस्ट थ्री आवर्स लेट हूँ इट्स अराउंड सेवन ए एम और मैं उठ जाती हूँ फोर एम तक बट इट्स प्रॉब्ली सो लेट बट कोई बात नहीं एक दिन ऐसा भी सही जहाँ हम लेट उठें बट वी ओबियसली कौना फॉलो ऑल द थिंग्स बट हाँ मे बी मैं अपना वर्कआउट स्किप करूँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना बेड द वेरी सेकेंड थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप बिकॉज ये हमें और ज़्यादा हेल्प करता है द वेरी फर्स्ट टास्क वी डू आफ्टर वेकिंग अप इसके बाद मैं करूँगी मॉर्निंग मेडिटेशन यूजअली आई डू मंत्रा टैंटिंग इट वर्क सो वेल फॉर मी मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन स्ट्राई किए हैं त्राटका भी किया है एंड देर आर लॉट मेनी ऑफ मेडिटेशन बट बहुत सी चीज़ें हर किसी के लिए काम नहीं करती है सिमिलरली आई ऑल्सो ट्राइड सो मैनी बट नाउ इट्स द फाइनल लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ओके दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर मी सो इट्स दैट वन थिंग दैट हैज़ रियली टच माई हार्ट एंड सो आई एम डूइंग माई मंत्रा चैंटिंग सो मैं करती हूँ अपनी मंत्रा चैंटिंग तो तब तक कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन वर्क करता है क्या आपको बेनिफिट करता है एंड ऑल्सो इट्स ओके लाइक अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं सो इट इज़ वेल इन गुड बट या टूडे आई एम लेट बट आई एम कॉलू Follow the same routine which I follow. That's why I said it is productive, but not so productive. We can say anything. एनीवेज अब कर लेते हैं जल्दी से एक रीडिंग सेशन कंप्लीट आई हैव सेट अ टारगेट ऑफ रीडिंग फाइव वर्सेस फ्रॉम भगवत गीता एवरी डे दैन फॉलोड बाय जर्नलिंग वट एवर आई हैव लर्न लाइक आई राइट दस काइंड ऑफ अ समरी और वट एवर द थिंग्स आई हैव लर्न मैं उसमें से कुछ चीज़ें पिक कर लेती हूँ लाइक यू नो मैंने ऐसा सुना है फ्रॉम सो मैनी पीपल्स फॉर होम इट इज़ वर्किंग सो वेल कि आप जो भी प्रॉब्लम्स के थ्रू आप जा रहे हो लाइफ में आप उसमें हमें वो सोल्यूशन मिल जाता है सो सेम थिंग आई डू नाउ आई एम गोना टू क्लीन माई रूम येस बहुत सारा मेस हुआ है पहले करते हैं साफ़ सफ़ाई इसी बहाने थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा इट्स इम्पॉर्टेंट टू मूव द बॉडी इन एनी वे पॉसिबल आई फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ मूविंग माई बॉडी हेयर एंड देयर एवरी डे इवन इफ़ आई हैव डन माई वर्कआउट बट स्टिल आई ट्राई टू मूव माई बॉडी बट आज तो वर्कआउट किया नहीं है तो डेफिनेटली आज तो बनता ही बनता है अपनी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट करवाना और इस तरीके से मैं ट्राई करती हूँ एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी है अपने खुद के अंदर बिकॉज देयर आर नॉट मेनी थिंग्स विच आर आई थिंक जो मैं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फॉलो कर रही हूँ मुझे उन्हें करेक्ट करना है बट या स्लोली स्लोली आई एम गोन अ चेंज दैट वन ऑफ द थिंग इज़ दैट हम लोग अक्सर अपने घर पे जो पोछा लगाते हैं वो खड़े होके लगाते हैं बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि हम लोग फ्लोर क्लीनिंग नीचे बैठ के करें इन द मल आसन इट इज़ सो गुड फॉर अवर ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑलमोस्ट मोर देन वन ईयर सो इट इज़ वर्किंग सो वेल फॉर मी एंड आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग टू यू ऑल्सो हाँ जी तो आज की साफ सफाई हो गई है कम्प्लीट ओ येस वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू हिमानी हाँ तो मैं ये अक्सर चीज़ें बोलते रहती हूँ अपने आप से क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप से किस तरीके से बातें करते हो क्योंकि बहुत सी बार हम लोग अपने खुद को ही एक गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं लाइक like, हम खुद के टू वर्ड्स ही अहिंसा करते हैं ये एक योगिक प्रिंसिपल है अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बाय मह, महर्षि पतंजलि जो बताते हैं कि अहिंसा दूसरों के ही प्रति नहीं सबसे पहले आप खुद के प्रति जो आप अहिंसा कर रहे हो उसको मत करो राइट सो स्पीक गुड वर्ड्स टू योर सेल्फ और मैं हमेशा यही प्रैक्टिस करती हूँ जब भी मैं कोई टास्क पूरा करती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे टफ़ था लाइक आई वो कब लेट और फिर उसका थोड़ा सा रिनू रिग्रेट हो जाता है कि यार आज लेट हो गई है वर्कआउट मिस हो गया तो सो मेनी थिंग्स गो बिहाइंड द माइंड बट स्टिल यू उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के बाद फिर भी हिमानी उठी और हिमानी ने बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट की सो दैट्स व्हाट आई पैट माय बैग एंड गिव माय सेल्फ अ बिग बिग कन्ग्रैचुलेशन दैट आई डिड दैट सो दिस वे i hope that this going to help you also because it is very important the kind of talks we gonna share with each other like with your own self and same way this is uh, is what self love means for me speaking to my own self in a very good and a positive way even if there is something negative going on so it's just a basic simple example nowadays there देर आर सो मैनी of ऑफ डेज वेर not नॉट गोइंग नॉट सो प्रोडक्टिव एंड दिस इज़ द वन थिंग दैट own ओन वीडियोज़ और मैं अपनी खुद की वीडियोस को ही दोबारा देखती हूँ और वो ही मुझे मोटिवेट करती हैं चीज़ों को करने के लिए क्योंकि बहुत सी बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें हमें पीछे की ओर खींचती रहती हैं आगे जाने से सो बट इट्स ओके देर आर डेज़ वैन वी not are totally okay but it's okay and still showing up is a good sign like मैं ये वीडियो अपलोड करने से भी पहले बहुत बार सोच चुकी थी ये ऑडियो डालने से भी पहले मैं बहुत बार सोच रही थी there are days and there are things which happens in everyone's life but it's okay ये फेज भी चला जाएगा कभी ना कभी and maybe one day मानी इसी ऑडियो को कभी सुनेगी खुद के लिए today she is sharing with you but वन डे दस फिल बिकम हर ओन मोटिवेशन टू इम्प्रूव वन मोर स्टेप इन हर ओन जर्नी एंड अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे जर्नलिंग uh, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी चीज़ों को लेके कि आज क्या करना है क्योंकि मैंने कुछ टूर डूल बनाई थी बट वो मेरे लिए वॉक नहीं कर रही थी आज बिल्कुल भी आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मोड स्विंग्स सो या बी गोनो प्रैक्टिस जर्नलिंग आई जस्ट पिकड अप रेंडम शीट्स एंड ऑल माई स्क्रैप बुक पेपर्स जो भी यहाँ हुआ कटे वटे जो भी सब कुछ है मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया है और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है, जो भी मेरे माइंड में आया एंड आई स्टार्ट क्रिएटिंग एंड ब्यूटिफुल आर्ट जर्नल और इसके पीछे का भी थाट एक यही था कि वी ऑल आर स्टोरीज एट द एंड हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है एंड हर एक दिन डिफरेंट होता है लाइक टूडे आई वोक अ प्लेट सो इट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट थ्रू आउट द डे बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मे बी टमोरो बट इट विल बी डिफरेंट थिंग फॉर मी ऑल्सो सो इसी तरीके से इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिव इन द प्रजेंट मोमेंट बिकॉज हर दिन की कहानी अलग अलग होते रहती है और अगर ये कहानी डिफरेंट नहीं होगी तो हम किस तरीके से लाइफ को इंजॉय करेंगे सो दिस वॉज गोइंग थ्रू माई माइंड ऑल्सो बट या बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटिन्यूसली गोज इन अवर हैड बट इट्स ओके टू हैव बोथ द डेज कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन शेयरिंग गुड थिंग्स विद योर सेल्फ विद अदर्स और इसी को फॉलो करते हुए हमारे घर पे आया हुआ था एक नया ओवन तो उसका भी इनाग्रेशन नहीं हुआ है सो आई डिसाइडेड कि आज ही हम उसका इनाग्रेशन करेंगे और हम कुछ अच्छा सा बेक करेंगे सो लेट्स सी हम क्या बेक करते हैं और इसमें भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर पे अवेलेबल थे मैंने वही उसी से क्रिएट किया है और मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी से केक बेक करना स्टार्ट किया ज़्यादा कुछ सोचा नहीं मैं मार्केट भी नहीं गई लेने के लिए हाँ बेकिंग सोडा नहीं था और मिल्क पाउडर भी नहीं था बट या इट्स ओके मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि जो भी है चलो उसी से ही बना लेते हैं लेट्स सी वट वी गो क्रिएट और आप बताओ कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके कि कैसा देन आई एम गो टेल यू दैट वट हैप रियली हैपन सो ऑब्वियसली हमने कुछ इन्ग्रीडियंट मिस कर दिए थे तो इट परफेक्टली तो नहीं बना मैं यहाँ पे वेट कर रही थी बहुत ही बेसब्री से कि ये कब बेक होगा यू कैन सी माई रिएक्शन बट या ये उतना परफेक्टली बेक नहीं हुआ था बट इट वॉज ओकेश and i was satisfied with the day how i spent my overall day thought about crafting thought about happiness thought about chill and have a great crazy amazing day thank you so much for watching this vlog till here if you enjoyed this vlog do subscribe hari krishna